दोस्तों ये एडवर्टाइज नहीं है, लेकिन आप भी अगर सैफी सिंगर से लाइव बात करना चाहते हैं तो आ जाओ यहाँ। नहीं यहाँ फिलहाल अपने सेटअप पर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए काम करना है तो इसलिए एक्टिव हूँ। तो इस वक्त मौज पर एक क्रिएटर फीडबैक फॉर्म आ चुका है और इस क्रिएटर फीडबैक फॉर्म को आपको सबको फिल करना होगा, जिसमें आपसे 10 से 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप अपने स्केल के अनुसार इसको रेटिंग कर सकते हैं। और एक चीज़ और, अगर आपको लगता है कि मौज पर आप कुछ चीज़ें ऐड करवाना चाहते हैं, कोई फीडबैक आपकी तरफ से सजेशन के रूप में होना चाहता है, या मौज के खिलाफ कुछ करना हो, कुछ कार्रवाई करनी होगी, तो आप इसके अंदर वो फॉर्म में सबमिट कर सकते हैं। अब इस फॉर्म को कैसे भरना है ये हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं, तो देखेंगे ये वीडियो। ओके गाइज, तो ये है मौज क्रिएटर फीडबैक फॉर्म। और इस क्रिएटर फीडबैक फॉर्म में हमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जो समझनी होगी। इससे पहले हम यहाँ पर एक अपना एंटर हैंडल नेम यहाँ पर डाल रहे हैं, और यहाँ पर आप अपना हैंडल नेम लिखें। आप एग्जांपल के रूप में यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो मेरा हेड एट द रेट है, अपना एट द रेट के साथ डालें ज़्यादा अच्छा है, एज इट इज़ वैसे जैसे आपके मौज के प्रोफाइल पर बना हुआ है, और ये एरो करके भी दिखाया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले समझना है क्या लिखा है, और उसके बाद हमें एक स्केल प्रोवाइड करना है 1 से लेकर 10 तक की रेंज में। तो यहाँ पर हमें देखना है 1 ऑफ स्केल, पहला सेकेंड वाला जो है इसको हम समझते हैं। How satisfied are you with the service provider by your manager? आप अपने मैनेजर से कितने सेटिस्फाई हैं जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि आपका मौज बड़ी। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मेरा जो है, मैं यहाँ पर एग्जैक्ट वो देने वाला हूँ, आगे देखते हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ पर दें। स्केल नंबर यहाँ पर 3 वाला देखते हैं। ऑप्शन 3 में यहाँ पर लिखा हुआ है, How interested are you in participating in मौज ट्रेंड्स एंड चैलेंज? आप कितने पार्टिसिपेट करते हैं जो मौज पर आते हैं, ट्रेंड्स और चैलेंज? आप अपने हिसाब से इसमें एक स्केल सेट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से जो मेरा स्केल है वो 1 का रेशियो मैं यहाँ पर रखता हूँ, क्योंकि मेरे सिंगिंग से रिलेटेड सारे तो नहीं होते, बट मैं फिर भी कोशिश करता हूँ सबके। अब यहाँ 4th नंबर पर है, इसमें देखें, How easy is it to understand, create videos after reading the campaign communication shared by Moj? Moj जो आपको कैंपेन शेयर करता है, जो ट्रेंडिंग हैशटैग्स होते हैं वो शेयर करता है, आप उन्हें कितना अच्छे से समझ पाते हैं रीड करने के बाद, कितना आप उसको समझने के बाद वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, डैट मीन्स इसमें सिर्फ इतना ही है। तो मेरे को पूरी तरह से समझ में आता है, तो मैं यहाँ पर 10 का रेशियो देने वाला हूँ। आप यहाँ पर समझें इसको। एंड यहाँ पर इसके बाद वाला देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, हाउ मेनी क्वेरीज कंसर्न डू यू कम अक्रॉस विच कुड बी रिलेटेड टू ऐप अदर? मतलब आपकी कितने टाइम से जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, जो कंसर्न होते हैं, वो कितने होते हैं आपके? तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं पर वीक में, जैसे कि लेस देन 5, 5 से कम होते हैं आपके, तो आप यहाँ 5 से कम कर दें। 5 से 10 क्वेरीज होती हैं पर वीक, एक हफ्ते में आप जो क्वेश्चन आंसर करते हैं, कम्युनिकेशन होती है आपसे मौज बड़ी की, 5 से 10 बार होती हैं, आप यहाँ 5 से 10 बार कर दीजिए। अगर 10 से ज़्यादा बार होते एक हफ्ते में, तो आप यहाँ कर दें। मेरा ज़्यादा नहीं होता, मेरा बहुत कम होता है, इसलिए मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ। इसको आगे से और थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर है, हाउ सेटिस्फाइड आर यू विद द रेजोल्यूशन द क्वायरीज कंसर्न राइज बाई यू? आप अपनी तरफ से कितने क्वेश्चन क्वायरीज करते हैं, आप एक अपनी तरफ से वो लगा दें। तो मेरी तरफ से तो खैर ज़्यादा नहीं होते, मैं यहाँ पर इतना कर देता हूँ, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसके बाद अगला यहाँ पर देखेंगे, यहाँ लिखा है, ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, हाउ मोटिवेटिंग वेयर मीन्स इम्प्रूव टू योर परफॉर्मेंस? आप यहाँ पर अपने हिसाब से इसको दें, मैं इसको कुछ भी नहीं कहूँगा। आप किस तरह से मोटिवेट होते हैं जब आपको परफॉर्मेंस पर इम्प्रूव करने होते हैं मीन्स को, तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से स्केल दे सकते हैं। मैं फिलहाल 10 to 10 ही देने वाला हूँ, इसके अलावा मैं कुछ कहूँगा नहीं। एक यहाँ पर और स्केल है, और ये स्केल है, हाउ लाइकली टू रिकमेंड द मौज एप्लीकेशन टू योर फ्रेंड एंड फैमिली? एक्चुअली ये एक फीडबैक के ज़रिए आपसे पूछना भी चाह रहा है कि कितना संतुष्ट हैं आप अपने मौज एप्लीकेशन से, जो आप दूसरे लोगों को, अपनी फैमिलीज को इसको दे सकें। तो मैं यहाँ पर 10% ही करने वाला हूँ। तो इसके बाद रेट, यहाँ पर मौज को भी हमें रेट करना है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर रेटिंग दे दें। मेरी जो रेटिंग है, मैं अपने हिसाब से यहाँ पर रेट दे देता हूँ। ठीक है, आपको कुछ ऐसा लगता है कि कुछ फ्यूचर में होना चाहिए मौज एप्लीकेशन के ऊपर, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, और कोई सजेशन और फीडबैक है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। ये दोनों ही मैंने इसलिए बता दिया कि यहाँ पर कोई मौज पर कुछ चीज़ें आनी चाहिए, तो आई थिंक मेरे लिए तो ये है कि मैं कुछ ज़्यादा नहीं डालता, मैं हमेशा ये डालता हूँ कि सिंगर्स के लिए भी प्लेटफॉर्म होना चाहिए, सिंगर्स के लिए भी मैं यहाँ पर डालता हूँ हैशटैग्स
होने चाहिए, ठीक है। एक तो ये, और इसके बाद दूसरा जो है यहाँ पर, इसमें फीडबैक देना है। अब ये फीडबैक आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, जैसे कि आपको कोई चीज़ मौज पे समझ में नहीं आई है, कोई ट्रेंड समझ में नहीं आया है, या कोई चीज़ ऐसी है जो आपको मौज की वो लगता है कि उसको बता देना चाहिए, एक फीडबैक देना चाहिए, तो आप यहाँ पर दे दें। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर भी मैं सेम चीज़ डालने वाला हूँ, सिंगर्स के लिए भी लाइव इवेंट होने चाहिए। मैंने अपने हिसाब से इसको फिल करा है, आप अपने हिसाब से इसको फिल करें, और इसको यहाँ पर कुछ नहीं करना, सिर्फ सबमिट का ऑप्शन है, सबमिट करना है और स्क्रीनशॉट लेके अपने मौज बड़ी को दे देना है। सिंपल सा इतना क्वेश्चन और क्वारीज आपने पूरा का पूरा इस फॉर्म में समझने के बाद, तो मैं यहाँ पर उसको सबमिट कर रहा हूँ। फाइनली मेरा यहाँ पर सबमिट हो चुका है मौज क्रिएटर फीडबैक फॉर्म। आप इस हिसाब से अपने आप को भी सबमिट कर सकते हैं, अपने क्रिएटर फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं और मौज बड़ी को दे सकते हैं। तो गाइस आज की इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आज के लिए बस इतने दोस्तों, जय हिंद।